बीजेपी और सरकार की संसद में क्या रणनीति होगी, इसको लेकर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है और बैठक में पीएम मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और वेंकैया नायडू सहित पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। लोकसभा में विपक्ष लगातार लैंड बिल का विरोध कर रहा है और इस मामले पर सरकार ने भी तय किया है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस आज अध्यादेश का विरोध कर रही है, लेकिन अपने शासनकाल में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने राहुल के भाषण को शैतान का प्रवचन करार दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी बिल्ली की तरह है जो 100-100 चूहे खाकर हज करने को चली है। सरकार की तरफ से हमला जारी रखते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस अपने झूठ को बार बार दोहराकर उसे सच साबित नहीं कर सकते। तो सरकार का राहुल गांधी के ऊपर पलटवार, राहुल के भाषण को शैतान का भाषण करार दिया है। कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइजिंग द ऑर्डिनेंस रूट इज लाइक डेविल्स कोटिंग स्क्रिप्चर्स, देयर रिकॉर्ड इज वर्स्ट। They have issued ordinances umpteen number of times. ये इनका व्यवहार ऐसा है, बिल्ली शौच में काके हज को चले, ऐसा है इनका व्यवहार। थोड़ा इसलिए थोड़ा सा होमवर्क करके बोलने के पहले, कुछ निर्णय करने के पहले उसमें वेल में आना क्या है? ऑर्डिनेंस से पहली बार जारी हुआ क्या? आपका जमाने में कितना ऑर्डिनेंस आपने जारी किया, इसके बारे में थोड़ा याद रखो। इतना ही हमारा कहना है।